बीकानेर से बड़ी खबर आ रही है। पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी की घर वापसी तय है। फर्स्ट इंडिया न्यूज ने सबसे पहले संकेत ये दिए थे। सूत्रों की माने तो आज ही होगी पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी की ज्वाइनिंग। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, क्योंकि इससे पहले हमने आपको बताया था और ये लगभग तय था कि पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी की घर वापसी तय है, क्योंकि लक्ष्मण राघव जब हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े थे उन्होंने कहा था कि ये पूरी तरीके से तय है क्योंकि पुनर्विचार इस पर चल रहा है। लेकिन एक बार फिर से फर्स्ट इंडिया की खबर पर एक बार फिर मोहर लगी है। फर्स्ट इंडिया ने जो संकेत पहले दिए थे, सूत्रों की माने तो आज ही पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी की ज्वाइनिंग होगी। तो देखिए, चुनावी समय है, जो वापसी हो रही है या फिर ज्वाइनिंग हो रही है बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। हालांकि काफी समय से देवी सिंह भाटी की भाजपा में वापसी की चर्चाएं थी, लेकिन किसी ना किसी वजह से रोक लग गई उस पर। लेकिन एक बार फिर से पुनर्विचार हुआ। महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि कल ही गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा ने बैठक भी ली और देर रात तक मंथन भी चला था। लक्ष्मण राघव मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े। लक्ष्मण, क्योंकि इससे पहले हमने चर्चा की थी कि आपने कहा भी था कि ये तो पूरी तरीके से तय है कि पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी की घर वापसी तय है। अब जरा ये बताइए कि ज्वाइनिंग फिर कब होगी अगर ये तय है तो? देखिए, जो जानकारी मिल रही है सूत्रों से, आज ही उनकी ज्वाइनिंग हो रही है। उन्हें जयपुर बुला लिया गया है। पूर्व मंत्री हैं देवी सिंह भाटी, 7 बार की विधायक हैं और सबसे पहले फर्स्ट इंडिया न्यूज ने संकेत दिए थे। मैंने बहुत पहले ये बात कही थी कि वो जा सकते हैं बीच में, लेकिन मैं आपको याद दिला दूं, ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलने पहुंचे थे, उस वक्त कुछ अलग चीजें तैरने लगी थी। लेकिन हमने तब भी ये कहा था कि ये शायद ही कांग्रेस में जाए, लेकिन ये जरूर है कि चर्चाएं हैं। लेकिन अब जो है ये तय माना जा रहा है। अरुण सिंह जो है इस पूरे मामले में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। एक तरह से अरुण सिंह ने ही ये पूरी बिसात बिछाई और यहाँ के 2-3 नेता बेहद सक्रिय रहे जिन्होंने जो है ये काम किया। और इस तरह से कहा जा सकता है कि आज इस खबर पर मोहर लग जाएगी। आज देवी सिंह भाटी भाजपा में वापस आ जाएंगे। आपको याद होगा अर्जुन मेघवाल से नाराज होकर अपना रिजाइन किया था, उस वक्त ये खूब मुखर रहे थे, अब लेकिन वापस आ रहे हैं। और स्वाभाविक तौर पर देखिए पार्टी भी मान चुकी है कि देवी सिंह भाटी इस कद के नेता हैं, वो कद कम से कम राजपूत समाज को जोड़ने में कामयाब रहता है। तो इसी बिहाफ पर ये वापसी हुई है। और अब वापसी हो रही है तो ये भी मान के चलिए या तो ये खुद या इनके परिवार से कोई व्यक्ति भाजपा की टिकट पर कोलाय से चुनाव लड़ेगा। लेकिन लक्ष्मण, एक बात और, क्योंकि आपने बताया कि मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई है, वहाँ बात नहीं बनी या फिर यहाँ पैचअप हो गया? और पैचअप अगर हुआ है तो फिर किस तरह से हुआ, किसकी अहम भूमिका इसमें रही है? देखिए क्या होता है, कई बार पॉलिटिक्स में जो है प्रेशर पॉलिटिक्स काम करती है। जैसे ही मुख्यमंत्री से मिलते हैं चीजें तैरती हैं, खबरें चलती हैं। कहीं ना कहीं लगता है भाजपा को, आलाकमान को, कि शायद ऐसा अगर होता है तो पार्टी के लिए, भाजपा के लिए थोड़ी मुश्किल और भारी चीज हो सकती है। इसीलिए संभवतः ये किया गया है। और अब जो है भाजपा ने ही इन्हें आलाकमान ने संकेत देकर बुलाया है और इनकी वापसी की जा रही है। अगर सब कुछ ऐसा ही रहा, देखिए राजनीति, फिर मैं कहता हूँ थोड़ी संभावनाओं की कला होती है, लास्ट मोमेंट में भी क्या हो जाए। लेकिन सब कुछ स्क्रिप्टेड है अभी तक की बात करें तो, और ये तय है कि वो आज ही पार्टी ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन लक्ष्मण, अगर आए हैं तो महत्वाकांक्षा भी होगी फिर स्वाभाविक तौर पर। बिल्कुल सही सवाल किया आपने, बहुत महत्वपूर्ण सवाल किया। टिकट तो चाहिए ही, टिकट कौन नहीं चाहेगा। लेकिन मुझे लगता है वहाँ कोलायत में कोई व्यक्ति भी नहीं है इस कद का या भाजपा जिसे लड़ाना चाहे। मुझे लगता है इस बार तो टिकट कि जहाँ तक बात है भाजपा को भी कोई इसमें कोई गुरेज नहीं लगता। लेकिन ये भाजपा की एक स्ट्रेटजी रही है कि वो इस तरह पहले कुछ भी नहीं बताते कहते, लेकिन पुराने नेता हैं, लंबी चौड़ी बात हुई होगी, तय हुआ होगा, तभी ये सब कुछ हो रहा है। ये लक्ष्मण, ये पुनर्विचार की अगर बात की जाए तो पुनर्विचार कब से ये चल रहा था और यहाँ जब पूरी तरीके से रास्ता साफ हुआ है तो किस तरह से रास्ता साफ हुआ है? दूसरी बात ये है कि अगर देवी सिंह भाटी की भाजपा में कमबैक हो रहा है तो क्या ये कांग्रेस के लिए मुश्किल बढ़ा सकता है? बीजेपी को इससे कितनी ज्यादा मजबूती मिलेगी? देखिए पुनर्विचार तो लंबे समय से चल रहा था, बीच में कुछ इस तरह के बयान आ गए थे इनके, जिससे थोड़ा सा पार्टी भी रुक गई थी। लेकिन अब मुझे लगता है अगर ये वापस आते हैं तो स्वाभाविक तौर पर मैं जैसे कह रहा हूँ कि फायदा होगा भाजपा को। एक जैसा कि मैंने कहा, कम से कम समाज के लीडर है, उससे इनको लाभ मिलेगा। हालांकि देखिए ये अलग बात है कि खुद के लिए अपनी सीट जीत पाएंगे नहीं जीत पाएंगे, सामने जो है किस तरह के क्वेश्चन बनेंगे, वो तमाम चीजें हैं। लेकिन बड़ा नाम है, बड़ा कद है, और जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि 7 बार विधायक रहना अपने आप में बताता है बिल्कुल कि इनकी पकड़ रही है। अभी यहाँ कोलायत में हालांकि 2 चुनाव हो, एक चुनाव इनकी पुत्रवधु हारी है और एक चुनाव ये खुद हारे हैं, तो 2 चुनाव हारे हैं। लेकिन लगातार सक्रिय रहे, मुद्दों पर मुखर रहे, अपनी बात बहुत ही एक तरह से कहिएगा गंभीरता से, मुखरता से रखते रहे। तो स्वाभाविक तौर पर एक उनका एक फैन फॉलोइंग है और उसी फैन फॉलोइंग को ध्यान में रखते हुए भाजपा ने, ठीक है लक्ष्मण, फैन फॉलोइंग तो है लेकिन इस फैन फॉलोइंग का भाजपा को कितना ज्यादा फायदा मिलेगा ये देखने वाली बातों की। बहरहाल आपका बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। ऐश्वर्य प्रधान मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ऐश्वर्य, नाराजगी की वजह से भाजपा छोड़ दी थी लेकिन पुनर्विचार उनकी वापसी पर होता रहा है, कई मर्तबा हमने देखा है, लेकिन अब फाइनली वापसी हो रही है भाजपा में देवी सिंह भाटी की, कैसे देख रहे हैं आप? जी, देवी सिंह भाटी को लेकर लगातार नाम जो है वो चर्चाओं में रहा है कि उनकी एंट्री हो सकती है और उनको लेकर लगातार बातें भी की जाती रही है। अब देखना होगा कि उनकी एंट्री को लेकर जो है वो किस तरीके से उनकी एंट्री होती है, क्या पूरे लवाजमे के साथ आते हैं, अपने पूरे दलबल के साथ आते हैं या अभी फिलहाल अकेले आते हैं। तो इंतजार इसी बात को लेकर रहेगा कि देवी सिंह भाटी किस अंदाज में एंट्री करते हैं। हालांकि उनको आने को लेकर लगातार चर्चाएं जो है वो लगातार जारी थी। जी जी बिल्कुल ऐश्वर्य, अब चर्चाएं क्योंकि लगातार जारी थी उनके आने को लेकर। बहुत शुक्रिया पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। तो देखिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है और आज ही ज्वाइनिंग की खबरें निकलकर सामने आ रही है, हालांकि फर्स्ट इंडिया ने पहले इस बात के संकेत दे दिए थे। वक्त छोटे से ब्रेक